किसी किसी दिन माँ को पता नहीं क्या होता है, वो पकड़ लेती है, उस दिन बेसन से नवाती है, लगाए पूरे हाथ पाँव में सब सब नहाए होंगे बेसन से, माँ सबको नवाती हैं। और जिस दिन वो है, जिस दिन बेसन से नवाती हैं और वो पत्थर से रगड़ा मारती हैं, उस दिन कौन बालक है जो रोवे ना, सब भागते हैं। और कोई बालक यदि नहीं नहाया है बचपन में ऐसे माँ से, तो शायद भाई उसने अभी कोई सुख ही नहीं देखा, पूरा शरीर लाल पड़ जाता है। कभी कभी सर्दियों के समय में माँ को पता नहीं क्या चंग चढ़ती है, वो सरसों का तेल ले आती है, लय पकड़ के रगड़ा मारती है पूरे सर से पैर तक। तो कभी कभी माँ ऐसी कुछ क्रिया करती है कि उससे बच्चे ये सोचते हैं ये हमारी शत्रु है, और उससे भी बड़े। तो जब स्कूल जाने का समय आ जाता है, सुबह सुबह बेचारी माँ उठा देती है बालक को, रोता रहता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द, नहीं जाना माँ, टीचर बहुत मारते हैं, तब भी माँ, माँ का भी मन नहीं है कि इसको भेजूं, लेकिन जाएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे, जबरदस्ती माँ तैयार करके उसको भेजती है। स्कूल बस में बैठा हुआ बालक इतना रोता है, अपनी माँ से देख करके रोता रहता है कि इसको मुझ पर दया आ जाए, ये मुझ पर दया क्यों नहीं कर रही है कि मुझे जाना नहीं है, लेकिन वो आवश्यक है उसके लिए। ठीक वैसे ही जब आप ठाकुर जी के शरणागत होते हो, उसके बाद आने वाले संकट आपके लिए आवश्यक है, वो आए आपके निर्माण के लिए। ठाकुर जी क्यों चाहेंगे कि आपके साथ कुछ बुरा हो, लेकिन वो होना जरूरी है, इसलिए होता है, उससे कुछ निर्माण होगा, उससे कुछ नवीनता आएगी, उससे कुछ सिखाना चाहते हैं ठाकुर जी, इसलिए होगा। मैं इस विषय पर कहा करता हूं, अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं श्री कृष्ण। उस अर्जुन के घनिष्ठ मित्र त्रिलोकीनाथ, और उस अर्जुन के पास अपना कहने के लिए एक भूमि तक नहीं थी, एक राज्य गद्दी तक नहीं थी, रहने के लिए अपना घर तक नहीं था। वन में विचरण कर रहे थे जब 14 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, क्या श्री कृष्ण अर्जुन के लिए घर बना के महल बना के की बजाय सब हो जाएगा, लेकिन नहीं। महाभारत का युद्ध हो ही नहीं, ठाकुर जी पलक झपके सारे कौरव मर जाएंगे, लेकिन नहीं, महाभारत युद्ध हुआ, अर्जुन को युद्ध करना पड़ा। आप ऐसा मत सोचा कीजिए कि भगवान कोई जादू की छड़ी है, वो जैसे ही हम उनके चरणों में गए अब सब काम बनते रहेंगे हमारे, अब कुछ बिगड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप और मैं, हम सब अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं, बस भगवत शरणागति से उस प्रारब्ध का अनुभव कम होता है, भोगना तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी रक्षा करते हैं। पांडवों को लेकर के भगवान कहीं और चले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए, अंधेरे के कारण अश्वत्थामा ने आकर के उन सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन को ले जाकर के उनके सर दिखाए, प्रकाश करके दुर्योधन ने जब देखा, अरे अश्वत्थामा क्या किया, ये पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और इसी शोक में कि अब हमारे यहां तर्पण करने वाला भी नहीं बचा, इस शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए। प्रातः काल का समय हुआ, शिविर के बाहर भीड़ लगी है, क्यों, अंदर से रक्त की धार बह रही है। भीतर जाकर के देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का केवल धड़ पड़ा है, सर नहीं है, किसी ने मार दिया सोते हुए 5 पुत्रों को। अब देखो यहां पर भी बात आती है, द्रौपदी बहन है भगवान की, भगवान बहन मानते हैं द्रौपदी को, ठाकुर जी की बहन होने के बाद भी उसके 5 पुत्र मार दिए, ठाकुर जी ने नहीं बचाए। लोग कहते हैं कि हम ठाकुर जी की शरणागत हैं, ठाकुर जी रक्षा क्यों नहीं करते, कुछ कार्य होने के लिए ही बने हैं और वो होंगे ही, इसलिए उनसे दुखी मत होइए, कोसिए मत उसके लिए ठाकुर जी को, ऐसा क्यों हो रहा है। जब समर्पित हुए हैं तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, आप जो देंगे हमें सब स्वीकार। अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया, प्रातःकाल का समय होते ही पांडव ढूंढने लगे किसने मारा है द्रौपदी के पुत्रों को।